हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू डॉक्टर वंस अगेन। तो ये है एक अलग सा जो टेक वीडियो है रिगार्डिंग मैन ग्रूमिंग। मैं इस चैनल पर जो मैं प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करता हूँ, जैसे ट्रिमर्स वगैरह फॉर पर्सनल ग्रूमिंग, वो मैं इस पे वीडियोस बताता हूँ और रिव्यूज़ बताता हूँ। तो ये है मी, मेरे पास अभी आ गया ट्रिमर, इसकी अनबॉक्सिंग होगी। और इससे पहले मैं ब्राउन का यूज़ कर चुका हूँ एंड फिलिप्स का टॉप एंड टाइटेनियम वाला मॉडल जिसमें कॉर्ड भी लगी जाती है, वो भी यूज़ कर चुका हूँ। तो ये इन दोनों के वीडियो अगर आपने देखने हैं तो मैंने डाल दिए हैं सजेशन में, आप देख सकते हैं। एंड आज हम इसमें करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और फिर मैं इसके बाद रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। इसमें जस्ट ओवरव्यू और हैंड्स ऑन होगा और फिर ये इनका मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने यूज़ कर रखे हैं, और फिर इनका कंपेरेटिव वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट। तो अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रहते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन लाइक और सिनेमेटोग्राफी और वीडियोस एंड गिम्बल्स, बट समटाइम्स आल्सो पुट ब्लॉग्स एंड दीज टेक गैजेट्स जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। सो दिस वीडियो इज़ फॉर Xiaomi मी ट्रिमर, लेट्स डू इट। सो हियर इज द बॉक्स, लेट्स अनबॉक्स इट। Here's the cute, very compact packing of this product. I like the pack. बाकी काफ़ी बल्कि होते हैं, इनका पैकेज जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और इस पर आपको देखने को मिल रहा है 40 लेंथ सेकेंड मे बी ए ट्रिमर, और ये पहला ट्रिमर है जितने भी मैंने यूज़ किया हाई एंड, मतलब ब्राउन वगैरह जैसी कंपनीज के, वो भी वाटर प्रूफ नहीं है। And it is waterproof, self-sharpening blades, 90 minutes of cordless use, and it is corded also, I think. और यहाँ आपको मिलता है मी बियर्ड ट्रिमर एंड दिस इज होल थिंग, और टॉप पे कुछ नहीं है। सो दिस इज मी ट्रिमर, लेट्स अनबॉक्स इट। सो हियर इज द सील्ड पैक, let's see what is inside. I don't have knife, तो please माफ कीजिएगा, मैं कैंची से करता हूँ क्योंकि इतनी अनबॉक्सिंग हो नहीं पाती, बजट चैनल है। जो प्रोडक्ट्स मैं खुद लेता हूँ बस वही अनबॉक्स कर पाता हूँ। आपकी कृपा रहेगी तो ज़्यादा अनबॉक्सिंग होगी, कृपा कीजिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। तो अनबॉक्सिंग हो चुकी है, मतलब सील खुल चुकी है, एंड नाउ आई हैव टू अनबॉक्स दिस। यस, हियर कम्स ये खाली, एंड एक मैनुअल एंड डिफरेंट शेप्स। ओ, ये बाद में देखते हैं, इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और here it comes. Oh, wow. तो ये हैं कुछ एक्सेसरीज, दिस इज इसकी कॉर्ड, मतलब ये दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं आप, कॉर्ड लगाकर भी और चार्जिंग के लिए। तो ये कॉर्ड भी एज ए कॉर्ड भी यूज़ करेगी और इसको चार्ज करने के लिए भी यूज़ करेगी। और ये इन्होंने यहाँ पर थोड़े पैसे बचाए हैं, यहाँ पर इन्होंने बस यूएसबी चार्जर दे दिया है, तो इसको आप कहीं भी लगाएं पावर बैंक वगैरह के साथ, अच्छा भी है। जिस ऑप्शन इसकी पावर बैंक से भी आप इसको चार्ज कर पाएंगे। और चार्जर वैसे दूसरे जो फिलिप्स और उसमें चार्जर आते थे, जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये ब्राउन के साथ ऐसा चार्जर आता है प्रॉपर, तो इन्होंने यहाँ पर ये सीधा यूएसबी दिया। तो नेवर माइंड, बट आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर प्रूफ, वो इसका यूएसपी है, वो किसी में नहीं है। तो इसमें वायर मिलता है एंड दिस इज द ब्रश। सॉरी फोकस, मेरा थोड़ा कैमरे का आफास नहीं है, बट स्टिल इट वर्क्स। वाइट बैकग्राउंड में आप देखिए, दिस इज इट वायर एंड कैरिंग केस इज गुड मी की ब्रांडिंग के साथ। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट गैजेट, ब्यूटीफुल। अब ग्रिप वाइज मैंने अब फिलिप्स भी यूज किया है और ब्राउन भी यूज किया है, एंड द फिनिश
जो इसकी है और द स्टाइल जो इसका दिख रहा है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. ये जो इसका डायल, इट्स ऑसम, क्लिक फील होता है. एंड ऊपर इसकी कॉम्ब है एंड फॉर योर डिफरेंट एडजस्टमेंट्स. एंड दिस इज़ द पावर. इसमें यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलेंगे, दबा के देखते हैं. यस, इट हैज़ पावर, ग्रेट. एंड इधर से आप चार्जिंग कर सकते हैं. पावर दबाते ही मोटर की स्ट्रेंथ मुझे पता लग रही है, बाकी यूज़ करके आपको बताया जाएगा. इसके रिजल्ट्स मैं इसमें दिखाऊंगा अभी आपको. एंड बाकी कंपैरिजन जो वीडियो है वो नेक्स्ट आएगा, कि जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि मी का लिया जाए, फिलिप्स का लिया जाए या ब्रॉन. ये ब्रॉन और फिलिप्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं. ये मी भी इस्टेब्लिश है, पर ट्रिमर्स में नया है अभी. और काफ़ी रिसर्च करने के बाद वाटरप्रूफ जो इसकी चीज़ है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी. क्योंकि काफ़ी लोगों के जो, जैसे आप ब्लेड हैं करते हैं तो पानी में लगा देते हैं तो उससे मोटर में बन जाता है, पर ये उसको रिजिस्ट करता है. तो आप इसको धो सकते हैं पानी के नीचे, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं. तो फुली चार्ज, ये एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली. इट इज़ मतलब इसको चार्ज करना नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही अब इसको यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा इसके रिजल्ट्स. तो ये थी अनबॉक्सिंग. हर एक चीज़ आपको देखना भूल गया, बॉक्स में एक और चीज़ भी है. अनदर कॉम, आई थिंक दिस इज़ फॉर साइड बर्न्स और आई थिंक सो. तो दैट इज आवर. तो थोड़ा क्लोजर रखा है, अभी फुल बियर्ड है मेरी. अब मैं इसको ट्रिम करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू ट्रिमर एंड आपको बताऊँगा इसका एक्सपीरियंस बन रही इस वीडियो के साथ. तो आ गया मैं इसको यूज़ करके एंड यू कैन सी द ट्रिम इफेक्ट ऑन माय बियर्ड. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा फ्रेंड्स. ये है इसका आपका फाइनल आउटपुट. तो आउटपुट इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इजी कंफर्टेबल है यूज़ करने में एंड वाटरप्रूफ है. आपके ऊपर देख सकते हैं पानी के निशान. मैंने इसको वाटर के नीचे टैप नीचे धोया एंड इट्स वर्किंग. सो यही चीज़ मुझे चाहिए थी, यही इसका USP सबसे बड़ा. एंड बाकी एक और चीज़ है, ट्रैवल में अगर आप जा रहे हैं तो आप पावर बटन को 3 बार दबाएं तो ये लॉक पोजीशन में चला जाएगा, मतलब आपके बैग में ये ऑन नहीं होगा. और उसको फिर से उस मोड से बाहर निकालने के लिए फिर से 3 बार उसको क्लिक करें तो वो बाहर आ जाएगा. और ब्लिंकिंग आपको यहाँ से चार्जिंग लाइट से पता लगेगी. यहाँ पर 3 लाइट्स हैं, ये देखिए जगती हैं. इट इज़ फुली चार्ज, तो ये उसकी इंडिकेशन है. तो ये थी ओवरव्यू हैंड्स ऑन ऑफ मी एंड ट्रिमर. इट्स अ गुड. बाइंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आप लिंक से लेंगे तो चैनल को मदद मिलेगी एंड बहुत थैंकफुल होऊंगा आपका. और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और ऑल एंड ऑल वेरी गुड प्रोडक्ट एट वेरी गुड प्राइस. एंड सबसे बड़ा, कोई भी ट्रिमर आपको वाटर प्रूफ नहीं, मतलब वाटर रेजिस्टेंट नहीं मिलता. ये है, दैट्स मी. तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो ये था बस एक ग्रूमिंग का वीडियो जो मैं यूजली करता हूँ. मैंने 2 ट्रिमर्स के पहले भी डाले हैं, काफ़ी पसंद किए गए, तो इसी वजह से मैंने ये तीसरा लिया था ट्रिमर. सो आई एम प्राउड ऑफ दीज थिंग्स. सो थैंक यू, कीप रॉकिंग. और लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा. थैंक यू वेरी मच.